इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं असलम खुर्शीद साहब। मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी से लगभग पिछले 40 सालों से जुड़े हैं। लगातार ये कांग्रेस के साथ संघर्ष कर रहे हैं और लगातार ज़मीनी मुद्दों पर जिस पर काम होना चाहिए उस पर काम करते हैं। और अभी अभी कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें बड़ा पद दिया है और बड़े जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस हाईकमान ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए ज़िला अध्यक्ष का पद दे दिया है और जिम्मेदारी सौंप दी है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? नहीं, जिला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सम्मानित अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय कुमार लल्लू जी और राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम साहब और राष्ट्रीय सचिव इमरान, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर जी और ख़ास तौर से माइनॉरिटी के जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान प्रतापगढ़ी साहब का हम पे विशेष ध्यान रहा है और उन्होंने मुझे ज़िला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद का अध्यक्ष बनाया है। इससे पूर्व मैं 17 वर्षों तक मुरादाबाद शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा हूँ। 40 वर्षों से मेरे राजनीतिक ज़िंदगी है। 1980 में 1980 में इंदिरा जी का समय हुआ करता था, तब मैं NSUI का अध्यक्ष हुआ करता था। यहाँ तब से रेगुलर मैं कांग्रेस में रहा, एक दिन के लिए मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी और कांग्रेस के धरने और प्रदर्शन के लिए मैं स्पेशलिस्ट माना जाता हूँ। यहाँ सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और पार्टी हाईकमान ने मुझ पर यकीन किया है कि मैं चुनाव, जो आने वाला चुनाव है 2022 में, कुछ ऐसा कर दिखाऊं कि कांग्रेस पूरी डेवलप हो जाए मुरादाबाद ज़िले में। क्योंकि अभी जिला पंचायत के चुनाव हैं, उसमें हमारा बहुत खास रोल नहीं रहा है, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि सब कांग्रेसियों को एकत्र करके, सब कांग्रेसियों को साथ लेकर के, सारे जितने डिपार्टमेंट हमारे हैं, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, उनको सबको साथ लेकर के कांग्रेस को एकत्र करके और गांव-गांव देहात-देहात जाकर कांग्रेस को डेवलप करूँ। आपने आगामी चुनाव जो आने वाले हैं विधानसभा के 2022 की, उसके बारे में बात की, तो कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियाँ चल रही हैं आगामी चुनाव? कांग्रेस की तैयारी है, ये सबसे पहली तैयारी है कि जिला शहर कांग्रेस कमेटी इन्होंने चेंज करी है और नए अध्यक्ष बनाए हैं। हम, मेरे समय कार्यकाल में, मैं अनुभवी हूँ, मेरे कार्यकाल में हमेशा कांग्रेस डेवलप हुई है और मेरे ही कार्यकाल में अजहरुद्दीन साहब मुरादाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए थे। जब हम 23 MP उत्तर प्रदेश से हुआ करते थे, तो उसी कार्यकाल में मुरादाबाद से अजहरुद्दीन साहब MP हुए थे। उस सारे काम को देख करके पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष का पद सौंपा है। मैं यकीन दिलाता हूँ पार्टी हाईकमान को कि मैं डट के काम करूँगा और सारे कार्यकर्ताओं को मिल करके, जुल करके इसको, पार्टी को कामयाब करूंगा। जहाँ एक तरफ आप पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां ये कह रही है कि कांग्रेस की नैया डूबी हुई है। ऐसा है, मेरा एक मानना है कि RSS का एक RSS प्रचारक है, भारतीय जनता पार्टी की, RSS की एक प्लानिंग है, वो प्लानिंग के तहत चलते हैं, सिस्टम से चलते हैं। उनकी एक प्लानिंग है कि उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मुसलमान कांग्रेस के, उस समाजवादी के साथ आ गया है, मुसलमान समाजवादी के साथ आ गया। उनका कारण है, क्योंकि समाजवादी को वोट हिंदू नहीं देता कभी भी, जब से राम मंदिर पे गोली चलवाई है तब से हिंदू वोट नहीं देता उनको। तो उनकी प्लानिंग ये रहती है कि जब समाजवादी को वोट हिंदू नहीं देता और जब समाजवादी वर्सेस भाजपा हो जाएगी, तो मुस्लिम इधर चला जाएगा, हिंदू उधर चला जाएगा, उनका फायदा हो जाएगा। उनकी एक प्लानिंग है, ये प्रचारक हैं, वो प्रचार कर रखा है उन्होंने। यानी आप सीधे सीधे कह रहे हैं कांग्रेस की नैया डुबाने में भाजपा का हाथ है? नहीं, कांग्रेस की नैया तो नहीं डुबा पाएगी, राष्ट्रीय स्तर की है, अब उनकी अपनी नैया डूबने लगी। 10,000 आदमी इस कोरोना पीरियड में मारे गए। महंगाई का आलम यह है कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, दालों की क्या महंगाई है, सरसों का तेल 200 रुपये से ऊपर निकल गया, तो नैया तो उनकी खुद डूबने वाली है। उस सब चीज़ों से दिमाग हटाने के लिए एक प्लानिंग करी है उन्होंने कि RSS की प्लानिंग है ये कि भाजपा वर्सेस समाजवादी कर दी जाए और कांग्रेस को डाउन कर दिया जाए। कांग्रेस की नैया नहीं डूबेगी, कांग्रेस तो अब डेवलप हो गया आएगी और जल्दी हमारी प्रियंका जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो हम चेहरा घोषित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी ये कयास लगा रही है और डंके की चोट पे कह रही है कि 22 में फिर से आएंगे क्योंकि हम विकास के मुद्दे पे वोट मांगे। वो बंगाल में भी यही कह रहे थे, वो गुजरात में भी यही कह रहे थे। उनका तो कहना है कि हम डंके की चोट पे आएंगे, लेकिन कोई डंके की चोट नहीं होती। जब वो हार जाते हैं, जहाँ प्रधानमंत्री ने पूरा जोर लगा दिया, जहाँ देश के गृह मंत्री ने जोर लगा दिया, जहाँ पूरे देश के पूरे मंत्री जूझ जूझ गए बंगाल में और वहाँ उनका सफाया हो गया, तो वो तो इन सब चीज़ों के आदि हैं। इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। तो क्या लग रही है इस बार स्थिति? बिल्कुल सफाया हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। प्रियंका जी चेहरा होंगी, कांग्रेस का चेहरा होंगी, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी और सब धुल जाएंगे उस चेहरे के आगे। जब आज हिंदुस्तान का नौजवान
और हिंदुस्तान का ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का नौजवान और उत्तर प्रदेश का आम जनता प्रियंका जी को पसंद करती हैं, वो उनके अंदर इंदिरा जी की छवि है। हम प्रयास करेंगे कि उनको सामने लाएं और उनका चेहरा घोषित करें। जब उनका चेहरा घोषित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर कोई गुंजाइश का खाना कोई कुछ नहीं रहने का, सब सफाया हो जाएगा, बिल्कुल आंधी होगी। आपने कहा कि अब प्रदेश में भाजपा वर्सेस सपा हो रही है, लेकिन AIMIM पार्टी भी आ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे किसका फ़ायदा होगा, किसका वोट कटेगा? MIM का वोट नहीं देने के लिए तैयार, क्योंकि अब पढ़ा लिखा जो समुदाय का जो वोट काटते हैं वो समुदाय पढ़ा लिखा है, उसने करके दिखा दिया MIM को कि उसने बंगाल में क्या हाल किया है इनका, वहाँ से 0% करके इनको भेज दिया, तो अब वो वोट डिवाइड नहीं होगा, वो वोट यहाँ डिवाइड नहीं होने वाला, यहाँ वोट एक तरफा ही पड़ेगा और कांग्रेस को पड़ेगा। आपको नहीं लगता 100 सीटों पर बात हुई है तो कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा या किसी को नुकसान होगा? वो तो कटुआ वोट कहलाए जाते हैं, बिहार वाले में भी यही किया उन्होंने कि उन्होंने 7 जीती और तमाम राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की 50 सीटें हराईं, तो वो तो उनकी प्लानिंग रहती है कि वो हर मुस्लिम एरिया में अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और जहाँ कांटे की टक्कर होती है वहाँ ज़रूर खड़ा करते हैं। अब वो 1000-2000 वोट अगर आप रिक्शे वालों को भी टिकट दे देंगे तो वो अपने परिवार के अपने रिश्तेदारी के काट जाता है और वही नुकसान देता है, 200 वोटों से 50 सीटें हार गई वहाँ बिहार में कांग्रेस। यहाँ किसको नुकसान देगा? यहाँ वो यहाँ मानेगा नहीं, यहाँ तो बंगाल बना देगा, आप देख लेना, अदर्स पार्टी को बंगाल बना देगा, जो बंगाल में हुआ है वही अब यहाँ कांग्रेस के लिए होगा। आप देखिए जो ममता जी के लिए वहाँ हुआ, यहाँ ममता जी तो है नहीं, समाजवादी आज भी आज जो है आज देखिए समाजवादी कहीं बोलती है, धारा 370 हो, आप NRC हो, आप कुछ भी हो, समाजवादी का कहीं कोई हिसाब नहीं है। लेकिन समाजवादी तो कह रही है ना, जिस तरह से बंगाल में खेला होबे हुई है उस तरह से उन लोगों ने नारा दे दिया है कि UP में अब खेला हुई। नहीं नहीं, बंगाल की परिस्थितियाँ और UP की परिस्थितियाँ दूसरी हैं। UP की परिस्थितियाँ में प्रियंका, वहाँ बंगाल में प्रियंका जी चेहरा नहीं थी, हमारे साथ जो कोई वहाँ कमी रही वो वास्तव में ये है कि वहाँ कोई चेहरा ऐसा नहीं था। प्रियंका जी के सामने तो सारे चेहरे फेल हैं, हम तो मान रहे हैं प्रियंका जी जब आएंगी तो सारे चेहरे फेल हो जाएंगे। ये नेक्स्ट मंथ से आप देख लेंगे कि प्रियंका जी 12-14 तारीख से लखनऊ अपना रेजिडेंस बना रही हैं, वहाँ रह रही हैं, ऑफिस बैठेंगी, सब कुछ वो सिस्टम से चलेंगी। यानी उत्तर प्रदेश का दौरा होने वाला है? बिल्कुल शुरू, ये जो बदलाव है ये पहली कड़ी है, ये जो 15 अध्यक्ष बदले हैं इन्होंने, ये प्रियंका जी की पहली कड़ी है, उसके बाद दूसरी कड़ी होगी, तीसरी कड़ी होगी, यही होगा, आप देखिए। चलिए बदलाव की बात कही, जो अध्यक्ष बदले हैं तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो बदलने की नौबत आ गई? क्या जो पहले जो काम कर रहे थे, कमान संभाल रहे थे, वो काम नहीं कर रहे थे क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम है और वो सिस्टम ये है कि संभवतः जो पार्टी का एक अपना सोच है कि जो अध्यक्ष होता है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो हो सकता है पार्टी ने कोई निर्णय लिया हो कि ये जो अध्यक्ष बदले हैं इनको कहीं से चुनाव लड़ाएं, इनको इनके लिए कहीं और बात करें, तो उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि उन पर कोई आरोप प्रतिरोप लग के उन्हें हटाया गया हो, उनको सिर्फ इसलिए हटाया गया होगा कि हमारे एक रिजवान कुरैशी साहब हैं, उन्हें 74,000 वोट मिले मेयर में, थोड़ी सी कसर रह गई, 7-8 हज़ार वोटों से हार गए वो, अगर थोड़ा सा वोट और मिल जाता तो मेयर होते हुआ, और यही हालत गुम्बर जी की है। गुम्बर जी भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एक समुदाय उनके साथ है, तो गुम्बर जी को भी अगर टिकट पार्टी देगी या रिजवान जी को देगी या किसी और को देगी वो तो एक अलग मैटर है, पार्टी हाईकमान का सोचना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई निष्क्रियता के आधार पर उनको हटाया गया होगा। उनको हटाया गया होगा कि उनको अगर चुनाव लड़ाना होगा तो उन्होंने जिला शहर चेंज किए, यानी कांग्रेस मजबूती के लिए ये किया गया। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं, विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता जैसे जीतन प्रसाद की बात करें, वो खुद ही पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए। नहीं नहीं, जीतन प्रसाद जी, माननीय जीतन प्रसाद जी और उनके पिता श्री कुंवर जितेंद्र प्रसाद जी की मैं देन हूँ। 97 में उन्होंने मुझे, 97 में मुझे अध्यक्ष बनाया था और मैं 17 साल अध्यक्ष रहा हूँ मुरादाबाद का। देखिए जितेंद्र प्रसाद जी में और जितेंद्र प्रसाद जी में फ़र्क है, जितेंद्र प्रसाद जी फ्लॉप शो हैं। ऐसे कैसे कह सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के काफ़ी करीबी हैं वो। वो करीबी होना अलग बात है, 2014 हारे वो अपने विधानसभा, 17 हारे, 19 हारे, उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाया गया, वहाँ बंगाल में सफाया हो गया, तो फ्लॉप शो हो गए वो। अब फ्लॉप शो होने के बाद उनकी आकांक्षाएँ बढ़ गई होंगी, कुछ पार्टी से कुछ ज़्यादा मांगना चाहते होंगे, पार्टी जो एक लिमिटेशन है हमारे यहाँ, तो वो जितनी लिमिट है जिसकी उसकी उतनी, मेरी हैसियत अगर जिला अध्यक्ष की तो मैं ये कह दूँगा मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, तो नेचुरल बात है कि मुझे नहीं मिलने का, तो वो कुछ आकांक्षाएँ बढ़ गई होंगी उनकी और वो फ्लॉप शो हो रहे थे, इसलिए
उनसे पार्टी ने हाथ जोड़े और उन्होंने उसका फिर वो भाजपा में चले गए। अब भाजपा में उनका क्या असर होगा, क्या स्थिति होगी, ये भाजपा वाले जाने और वो जाने, क्योंकि एक हशर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया जी को हम देख रहे हैं, वो हमारी नाक का बाल थे और नेक्स्ट टू राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के बाद माधवराव सिंधिया जी का नंबर आता था। आज की कंडीशन में वो सातवीं आठवीं लाइन में कहीं बैठे हैं और कहीं उनका नाम कहीं निशान नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका क्या स्थिति है ये मैं नहीं जानता, लेकिन स्थिति जो है वो इससे अच्छी नहीं होने की, इससे बुरी होगी। उनके साथ तो 22 MLA भी थे लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं। चलिए उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो किस तरह से देखते हैं योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल को आप, जिस तरह से आप 4.5 साल या 5 साल पूरे होने वाले हैं? तानाशाह का, योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल है वो तानाशाह है। औरंगज़ेब का एक कार्यकाल होता था, औरंगज़ेब को हमारे लोग कुछ अच्छा ही मानते बुरा ही मानते लेकिन मैं उनको अच्छा आदमी नहीं मानता। उसका कारण यह है कि औरंगज़ेब ने अपने भाइयों के साथ जो जुल्म ज़्यादती की, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बाप के साथ, यहाँ तक कि बाप को, उस बाप को जो 5 वक्त का नमाजी था, जिसके लिए ये कह दिया गया था कि वो वली था, उसको जेल में डाल दिया था, तो वो एक अच्छा आदमी नहीं हो सकता जो माँ बाप और भाई बहन का नहीं हो। तो ये भी यही हालत है, इनका तो कोई परिवार ही नहीं है, इनकी स्थिति भी यही है कि ये जो हैं बिल्कुल तानाशाह हो गए हैं, हिटलर टाइप के, कि बस यस नो, तीसरी बात नहीं।